इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और लैपटॉप के बारे में जिसका नाम होने वाला है एसियर स्विफ्ट गो 14 ईवो ओलेड इंटेल कोर आईफाई 13 जनरेशन। तो मैं आज आपको इस वीडियो में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, इस लैपटॉप के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि इसकी प्राइस लगभग होने वाली है अप्रॉक्स 55,000 टू 60,000 के बीच में या 63,000 के बीच में अप्रॉक्स इसकी प्राइस होने वाली है। फिक्स्ड प्राइस में वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे, इसका प्राइस देखने के लिए मिल रहा है, फिक्स्ड प्राइस क्या होने वाला है, लेकिन इस प्राइस रेंज के बीच में आपको क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या क्या इस लैपटॉप में क्या स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं, है ना, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। सबसे हम देख लेते हैं इसके मेन हाईलाइट फीचर्स क्या है इस लैपटॉप के, है ना, क्योंकि एसियर स्विफ्ट गो 14 ईवो ओलेड, मतलब ईवो ओलेड इसके डिस्प्ले में लग रहा है, डिस्प्ले में अच्छी क्वालिटीज मिलने वाली है, इसलिए डिस्प्ले का नेम जो है ऊपर हाईलाइट इस तरीके से किया गया है। आईएफआई का 13 जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट है, लेकिन आईएफआई थोड़ा सा जनरेशन थोड़ा सा छोटा है, कोर छोटे हैं, लेकिन जनरेशन बिल्कुल लेटेस्ट देखने के मिल रही है, 13 जनरेशन लैपटॉप में देखने के लिए मिल रही है। बात करते हैं इंटेल कोर आईएफआई का प्रोसेसर की, 13 जनरेशन मिल रहा है इसमें, 16 GB की LPDDR5 रैम देखने के लिए मिल रही है, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, 512 GB SSD मिल रही है, 14 inches की डिस्प्ले है, इंचेस में 1 इंची 1.5 इंची कम देखने को मिल रहा है, 15.6 इंचेस में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये 14 इंचेस की डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। अब अंदर बात करते हैं डिटेल में और क्या चीजें देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, जनरल सील पैक मिलेगा, लैपटॉप पावर अडेप्टर, यूजर गार्ड, वारंटी डॉक्यूमेंट, ऐसे इसके साथ स्पेसिफिकेशन में सील पैक इसके लैपटॉप के बॉक्स के अंदर देखने के लिए चीजें मिलने वाली है। इसका बात करते हैं हम कलर की, प्योर सिल्वर कलर मिलने वाला है, सीरीज होने वाली है स्विफ्ट गो 14 ईवो ओलेड, इसकी सीरीज है, इस सीरीज का ये लैपटॉप है। अब बात करते हैं टाइप का, थिन एंड लाइट लैपटॉप होने वाला है, सूटेबल फोर रहेगा प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्क, सूटेबल और मल्टीटास्किंग के रहने वाला ये एसियर का स्विफ्ट गो 14 ईवो ओलेड डिस्प्ले, बैटरी सेल 4 है, MS ऑफिस प्रोवाइड। प्रोसेसर एंड मेमोरी फीचर्स की बात करते हैं, प्रोसेसर का ब्रांड होने वाला है इंटेल, प्रोसेसर का नेम होने वाला कोर आईएफआई, प्रोसेसर की जनरेशन होने वाली 13 जनरेशन, इसका SSD होने वाली है, SSD कैपेसिटी होने वाली 512 GB, रैम होने वाली 16 GB, रैम का टाइप होने वाला है LPDDR5, प्रोसेसर का वेरियंट होने वाला है 13500H, एच सीरीज इसमें देखने के मिलने वाला प्रोसेसर का वेरियंट। इसका क्लॉक स्पीड बात करते हैं, तो इसकी 4.7 GHz तक क्लॉक स्पीड जाने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छे मल्टीटास्किंग आपको आसानी से करके देने वाली है, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी समस्या इस लैपटॉप में इस प्रकार की नहीं है। ग्राफिक प्रोसेसर जो कि इंटेल का इंटीग्रेटेड आया एरीज XE इसमें देखने के मिल रहा है, इसमें कोई इंटेल का ही खुद का एक ग्राफिक कार्ड इसमें डला हुआ है, इसमें अलग से कोई ग्राफिक कार्ड देने के लिए नहीं मिला है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11, पोर्ट एंड स्लॉट फीचर्स की बात करते हैं, 1 USB 3.2 का पोर्ट है और 1 USB 3.2 का एक और पोर्ट है, 1 पोर्ट विद पावर ऑफ चार्जिंग के साथ है और एक सी टाइप का पोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। डिस्प्ले एंड ऑडियो फीचर टच स्क्रीन नहीं है, स्क्रीन का साइज 14 inches है, स्क्रीन का टाइप WQXGA इसका स्क्रीन का साइज स्क्रीन का टाइप देखने के लिए मिल रहा है। कनेक्टिविटी फीचर वाईफाई 6E का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छे शानदार अच्छी बात है, वाईफाई 6E मिल रहा है वाईफाई में, ब्लूटूथ का वर्जन भी 5.2 मिल रहा है, कुछ लैपटॉप का 5.3 वर्जन भी देखने के लिए मिलता है ब्लूटूथ का, 5.2 है। डायमेंशन की बात करते हैं, 1.25 kg, बहुत लाइट लैपटॉप है, इस फीचर्स के साथ जो क्वालिटीज दिख रही हैं उनके साथ बहुत लाइट लैपटॉप देखने के लिए, 1.25 ओनली इसमें वजन देखने के लिए मिल रहा है, मतलब अभी तक शायद हो सकता है मेरी जितनी वीडियोज है उनमें सबसे लाइट वेट लैपटॉप 1.25 kg का यही देखने के लिए मिलेगा, एसियर का स्विफ्ट 14 ओलेड ईवो ओलेड लैपटॉप, तो ये 125 kg में वजन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब देखिए फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे लैपटॉप्स की वीडियो रिव्यू की है, लेकिन एसियर का स्विफ्ट गो 14 ईवो ओलेड का जो लैपटॉप की जो वजन देखने के लिए मतलब 1.25 वो बहुत ज्यादा कम देखने के लिए मिल रहा है। एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको वेब कैमरा टाइप USB QHD कैमरा मिलेगा 2560 रेजोल्यूशन के साथ, मतलब 4HD आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, 30 FPS का टेम्पोरल नॉइस रिडक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत शानदार इसमें देखने के लिए मिल रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें यस, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल रहा है इसमें। इसके बाद बात करते हैं कीबोर्ड, बैकलिफ्ट कीबोर्ड यस, वारंटी वन साइड 1 ईयर की ऑन साइड वारंटी मिल रही है, मैनुफेक्चर डिफेक्ट की, फिजिकल डैमेज की इसमें वारंटीज नहीं मिल रही।
तो ये थी कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन फीचर्स, और अब देखते हैं इसकी और ऊपर कि किसका प्राइस क्या होने वाला है इस लैपटॉप को। तो ये सब प्राइस होने वाला है 59,000 से 60,000 के बीच में अप्रोक्स का प्राइस रहेगा, है ना, जो कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन आप देख सकते हैं अलग अलग कुछ रेट में थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए मिल सकता है ना, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ थोड़ा फर्क मिलता है, कुछ कार्ड्स वगैरह से आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम से कभी रेट्स ज्यादा कभी कम आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे, कभी कुछ ऑफर्स आ जाते हैं तो कुछ रेट्स कम हो जाते हैं, कभी कुछ ऑफर्स नहीं होते तो रेट्स कुछ ज्यादा हाई चलते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपको बेस रेट मिले, जो भी आपको अगर ऑफर अच्छी तरीके से चाहिए तो कुछ आप कोई सीजन या फिर कोई त्योहार पे आप इसको ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके हिसाब से आपको कब लेना है, किस प्रकार से लेना है, तो मैंने आपको बता दिया। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको एसियर स्विफ्ट गो 14 ईवो ऑलेट इंटेल कोर आईएफआई 13 जनरेशन लैपटॉप के बारे में फुल स्पेसिफिकेशन दी, इसका रिव्यू दिया है, प्राइस की बात की, फीचर्स की बात की है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आता रहता हूँ, जो कि आप लिए बहुत ज्यादा एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव होता है, जो आपकी एजुकेशन नॉलेज को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। तो जुड़े रही मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को अभी तक, नए हैं मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।